डॉक्टर पारुल पंड्याधर, एसोसिएट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। हमें यहाँ जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज के हिस्ट्री डिपार्टमेंट ने अपने पॉपुलर कल्चर नाम के एक दो दिन के सेमिनार, नेशनल सेमिनार में बुलाया है। और मेरा विषय है आज पॉपुलर कल्चर एज पिक्चर्ड इन दी अर्ली विजुअल नैरेटिव्स ऑफ इंडिया। तो जो प्राचीन भारत के बौद्ध दृश्य कला वृत्तांत हैं, उसमें किस तरह से पॉपुलर कल्चर का समावेश है और किन तरीकों से उसको एक एलीट और पॉपुलर कल्चर का मिश्रण है, और किस तरह से ये पॉपुलर कल्चर से एलीट कल्चर की विजुअल लैंग्वेज इम्पैक्ट होती है, किस तरह से पॉपुलर कल्चर और एलीट कल्चर एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, कभी हार्मनी में कभी कॉन्फ्लिक्ट में, ये मेरे टॉपिक का मेन फोकस रहेगा। फिल्मों का जहाँ तक है कि किसी भी संस्कृति को बहुत बढ़ावा देने में होता है, तो ये जो आपका जो सब्जेक्ट है वो कितना तक ये जो सहयोग करेगा पॉपुलर कल्चर को आगे बढ़ाने में? एक जागरूकता पहले तो, और किस तरह से एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है हमारी, कोई एक मोनोलिथिक रिलीजियस बिलीफ या कोई एक एक ही रंग में सब रंगे हों, इस बात का सबसे पहले तो खंडन होता है कि हमारी एक बहुत ही मिश्रित, बहुत ही प्लूरलिस्टिक सभ्यता शुरू से रही है, संस्कृति रही है, और किस तरह से ये एक दूसरे से सीखती रही है, किस तरह से आपस में टकराव भी हैं बहुत, लेकिन साथ चलने के भी बहुत सारे उदाहरण इसमें मिलते हैं। मैडम, जहाँ तक देखा जाए कि फिल्मों का जो हमारे कल्चर को बहुत प्रभावित किया है, संस्कृति को बहुत प्रभावित किया है, तो उसमें आपको नहीं लगता है कि फिल्मों में बदलाव होना चाहिए? बच्चे आजकल देख करके नए अपने सभ्यता संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। फिल्मों की अपनी जगह है, फिल्मों में भी मेन स्ट्रीम पॉपुलर स्ट्रीम है, और एक जिसको कहते हैं कि आर्ट सिनेमा, तो दोनों ही चल रहे हैं। और मेरे ख्याल से हर तरह की फिल्म्स हैं। आर्ट फिल्मों का तो बहुत अभाव है, कहाँ लोग, कितने लोग देख पाते हैं? आर्ट फिल्मों को ज़रूर बढ़ावा मिलना चाहिए, ज़रूर मिलना चाहिए बढ़ावा, लेकिन आजकल मुझे लगता है कि घर में दूरदर्शन होने से जो प्रभाव दूरदर्शन का है घर घर में, वो सिनेमा से भी ज़्यादा है।